श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2023 में कार्तिक मास की छठ पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नहाए खाए व खरना की तिथि क्या रहेगी, षष्ठी तिथि कब शुरू होगी तथा कब खत्म होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है। छठ पूजा के दिन छठी मैया का पूरी विधि विधान से कठोर नियमों के साथ पूजन किया जाता है। छठ पूजा का पर्व पहले दिन नहाए खाए से शुरू होता है और दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जबकि षष्ठी की शाम यानी कि तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर अगली सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं छठ पूजा की शुभ तिथियों के बारे में। साल 2023 में छठ पूजा 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को है। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:46 पर। छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय रहेगा 5:26 पर। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 18 नवंबर 2023 को 9:18 पर होगा तथा षष्ठी तिथि की समाप्ति 19 नवंबर 2023 को 7:23 पर होगा। नहाए खाए 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को है, जबकि खरना एवं लोहंडा 18 नवंबर 2023 शनिवार को पड़ेगा। संध्या अर्घ्य 19 नवंबर 2023 रविवार को दिया जाएगी, जबकि प्रातःकालीन को अर्घ्य 20 नवंबर 2023 सोमवार को दिया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए का होता है। इस दिन व्रती स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करके सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं तथा इस दिन भोजन में लौकी की सब्जी खाना अनिवार्य होता है। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। खरना के दिन गंगा जल मिले पानी से स्नान करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसके बाद रात में छठ मैया की पूजा करके खीर पोड़ी का प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन ढलते सूर्य को अर्घ देने वाला होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन ढलते सूरज को अर्घ देने की प्रथा है। अर्घ देने के बाद अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप को सजाया जाता है और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।